हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बडालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शंस से डील करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस में कई बार हम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, फिर चाहे वो आपकी प्लांट्स में हो रही हो या एनिमल में हो रही हो। ठीक है, मतलब प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में हो रही हो, तो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, और ऐसे कैटलिस्ट को ही हम लोग बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंजाइम कैटलिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंजाइम्स क्या हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर नाइट्रोजन एज अ बेस प्रेजेंट होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स ही और एनिमल्स ही इसको प्रोड्यूस करते हैं, हमें बाहर से कहीं से खरीदना नहीं पड़ता है इसको। ठीक है, लाइक सिंथेटिक केमिकल्स, दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होता है, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लास 12th में आप लोगों का एक बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर आता है, वहाँ पे आप प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है, एक्चुअली में दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दे फॉर्म कोलोइडल सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे तीन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। तो अगर हम बात करें इन तीनों में मेन डिफरेंस की, तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें कोलोइडल की, कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो ये इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या लिखा है कि दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिकुलर मास है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल की जो साइज की रेंज जाएगी वो कितनी जाएगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की। ठीक है, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग बायोकेमिकल कैटलिसिस भी कहते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट को भी जोड़ के बायोकैटलिस्ट भी हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, जैसे कि केन शुगर है, सुक्रोज है, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है, इन्वर्टेज, ये आपको ध्यान रखना है, ये एंजाइम है और ये बायो कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। तो ये देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम ग्लूकोज का भी क्या करना चाहें, ये आप एल्कोहल चैप्टर में पढ़ते हो, सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स में जब मिथेनॉल और इथेनॉल आता है, तो इथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए हम ये मेथड पढ़ते हैं। ग्लूकोज जो है उसको हम डीकम्पोज कराते हैं जाइमेस की प्रेजेंस में, तो हमें इथाइल अल्कोहल और CO2 मिलता है, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये अनएरोबिक कंडीशंस में होती है। ठीक है, अनएरोबिक कंडीशंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है, और आपको पढ़ाया भी हुआ है मैंने ऑर्गेनिक में कि अगर आप एल्कोहल लेते हो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, और अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो इथाइल अल्कोहल जो बनाते हैं हम यहाँ पर, इसे अनएरोबिक कंडीशन में बनाया जाता है। अगर यहाँ पर इसे एयर या फिर ऑक्सीजन, मतलब एयर से ऑक्सीजन मिल गई या कहीं से भी अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो ये जो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बना है ये अपना ऑक्सीडेशन कर लेता है इथेनल में, और फिर इथेनल से ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि इथेनॉइक एसिड में। और वो क्या करता है, इथेनॉल का जो टेस्ट है, अल्कोहलिक ड्रिंक का जो टेस्ट है वो स्पॉइल कर देता है। तो इसीलिए कि अल्कोहल का जो टेस्ट है वो ना बिगड़े, हम इस रिएक्शन को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराते हैं, यानी कि अनएरोबिक कंडीशन में कराते हैं। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन है माल्टोस। माल्टोस का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंजाइम है यहाँ पर माल्टेस, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन में है, आप इसे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे जब आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि इट्स 100% ट्रू, बट आप 12th में केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी थोड़े बहुत एंजाइम्स पढ़ते हो, ठीक है, आप नोटिस करना उसके लास्ट में आपको एज मिलेगा। बट ऐसा ये नहीं है कि अगर आप 100 के 100 एंजाइम्स पढ़ रहे हो तो हर किसी के नाम के पीछे आपको एज मिले, पर मोस्टली आपको जो बायोकैटलिस्ट होते हैं उनके नाम के पीछे एज मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है पहचानने के तौर पे, कि आप पहचान सकते हो कि हाँ ये बायोकैटलिस्ट एंजाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यूरिया का। यूरिया से आप सब फैमिलियर हैं, यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में बनाया गया था, है ना। उससे पहले ये चीज़ मिथ चलती आ रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खुद ही सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, उसे हम लैब में नहीं बना सकते, मैनुअली सिंथेटिकली नहीं बना सकते। पर जब यूरिया एक्सीडेंटली बन गया था तो इसने पूरी एक क्रांति सी ला दी थी, ठीक है, और डेफिनेशन चेंज कर दी थी, और फिर वहाँ से हमें ये चीज़ पता चली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो यूरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2। एज अ केमिस्ट आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए जिसको आप ना पता होना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट ये तो बहुत ऐसी बेसिक सी बातें होती हैं जो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए कि हाँ यूरिया क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए, यूरिया का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अमोनिया और CO2 प्रोड्यूस करता है। ये हम छोटी क्लासेस में नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं शायद, तो वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं, मतलब थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि यूरिया है और प्लांट्स सॉरी एनिमल्स का जो यूरिया होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, फिर वो अमोनिया और CO2 बनाता है, फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा हुआ है, मतलब हमें हल्का फुल्का आइडिया है इसका। तो यूरिया जो है उसका हाइड्रोलिसिस करते समय जो कैटलाइज करता है रिएक्शन को वो होता है यूरिएज। ठीक है, इस जो भी एंजाइम से रिलेटेड कैटलिस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंजाइम कैटलिसिस में जो भी एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट हम पढ़ रहे हैं, आपको इनके नाम ज़रूर पता होने चाहिए, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे यूरिया है, इसके लिए एंजाइम है यूरिएज, माल्टोज पढ़ा था उसके लिए जब हम पढ़ रहे थे माल्टेज, तो आसान है, मुझे नहीं लगता आपको याद रखने में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आप याद रखना इनको। ठीक है, फिर है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5N, ये आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के समय। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो होता है डाइस्टेज, ये हमें दे रहा है माल्टोस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है मिल्क। दूध से अगर आप दही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद है प्रोटीन। आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा भी है कि अगर हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को लेते हैं तो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में कम्बाइन होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आपस में कम्बाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप प्रोटीन को तोड़ने की कोशिश करोगे, अगर आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आपको वही तो मिलेगा जिससे वो मिलकर बना है, है ना। तो प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो या तो हमें पेप्टाइड मिलता है या फिर हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही रिएक्शन लिखी है कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम,
एक बार हमने यहाँ पर एंजाइम यूज़ किया है पेप्सिन और एक बार हमने एंजाइम यूज़ किया है पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। ठीक है, तो देखिए जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं पेप्सिन की प्रेजेंस में तो वो बनाता है पेप्टाइड, ये हमारे स्टमक में होती है रिएक्शन। और जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन तो वो इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में ये रिएक्शन हो रही होती हैं। इन रिएक्शंस के मैं आपको फिर से कह रही हूँ आसान आसान सी रिएक्शंस हैं, आपको इनके एंजाइम्स के कैटलिस्ट के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कई बार 1 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है कि इस रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन को कैटलाइज कराना चाह रहे हो इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा। अब तो आप लोगों के पेपर में MCQ आने लग गए हैं, ठीक है, 20 मार्क्स तो इसी बेसिस पे चले जाते हैं आपके, जैसे MCQ में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। 20 मार्क्स तो अब है ही इन सब चीज़ों पे, सो दैट दे कैन चेक योर कंसेप्चुअल नॉलेज कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो जब थ्योरेटिकल पेपर होता है तो फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, बट जब 20 मार्क्स ऐसे सेक्शन में डाल दिए जाते हैं जहाँ पे ये चेक करना है कि हाँ भाई आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसी है, तो किसी भी रूप में वेदर इट इज़ 1 वर्ड, ठीक है, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आसान आसान से रिएक्शन से आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में कि जो एंजाइम कैटालिसिस या एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है। तो सबसे पहले देखिए, दे आर हाईली एफिशिएंट। अगर हम एंजाइम कैटलिस्ट की बात करें, ठीक है, बायो कैटलिस्ट की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एफिशिएंट। इनकी एफिशिएंसी किसी रिएक्शन को कराने की काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या मतलब है एफिशिएंसी का, कि अगर हम एक मॉलिक्यूल एंजाइम का ले लें तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट के पर मिनट। आप इसकी एफिशिएंसी समझ रहे हैं कि कितना एफिशिएंट है, 1 मिनट के अंदर वो क्या करेगा, अगर किसी रिएक्शन को कैटलाइज कराना है तो उस रिएक्टेंट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, एंजाइम का सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल। तो आप समझ सकते हैं कि ये हाईली हाईली एफिशिएंट होते हैं अपनी स्पेसिफिक रिएक्शंस में। ठीक है, उसके बाद देखिए, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम से आप पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि यूरिया कैटलाइज हो, यूरिया जो है उसको आप चाह रहे हैं अमोनिया में और CO2 में कन्वर्ट करना, और यहाँ पर जो आपने एंजाइम यूज़ किया है वो यूरियेज यूज़ किया है, तो यूरियेज को आप किसी और रिएक्शन को कैटलाइज करने में यूज़ नहीं कर सकते। यूरियेज सिर्फ अपनी इसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, किसी और रिएक्शन को ये कैटलाइज नहीं करेगा। इसको कहते हैं स्पेसिफिक इन नेचर, कि अगर कोई काम पर्टिकुलर पर्सन को करना है तो इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर कि यही राम ही करेगा इस काम को, श्याम नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज ईच एंजाइम स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, दैट इज वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन 1 रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया। आगे देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है या ऑप्टिमम pH है, तो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जिस वैल्यू पे वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें एंजाइम इस टेम्परेचर रेंज में, अगर टेम्परेचर 298 से 310 के बीच में मेंटेन है तो एंजाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम काम अपना जो कर सकता है वो करेगा। अगर आप टेम्परेचर रेंज यहाँ से छेड़ रहे हो, कम कर रहे हो, या टेम्परेचर रेंज ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर उसकी एक्टिविटी जो है उस पर फ़र्क पड़ने लगता है, वो उतना एफिशिएंट काम नहीं करता। मान लो अगर पहले इस टेम्परेचर रेंज में वो 100% काम कर रहा था,
तो टेम्परेचर कम करने या ज़्यादा करने से हो सकता है कि भाई वो 70% ही रिएक्शन कैटलाइज करे, 40% ही रिएक्शन कैटलाइज करे, या हो सकता है शायद कैटलाइज बहुत ही मिनिमम अमाउंट में करे। ठीक है, तो एक रेंज होती है टेम्परेचर की, जब उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है काम करने की, तो उस टेम्परेचर रेंज को कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो एंजाइमिक एक्टिविटी की होती है 298 से 310, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 3110 केल्विन, दैट इज़ वेरी वेरी एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है, और हमारी बॉडी में वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस कर पाती हैं। ठीक है, उसके बाद है अंडर ऑप्टिमम पीएच। अब पीएच की एक वैल्यू है पीएच 5 to 7। ठीक है, तो 5 to 7 जब पीएच मेंटेन रहता है तो एंजाइम कैटलिस्ट बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पीएच 5 से कम करोगे या 7 से ज़्यादा करोगे तो उनकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ने लगता है, वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते जितना वो इस रेंज में रहकर कर पाते हैं। फिर है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। को वर्कर, सुना है आपने वर्ड को वर्कर? को वर्कर का मतलब क्या होता है? साथ में काम करने वाला। तो सिमिलरली को एंजाइम, कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स के साथ काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं को एंजाइम्स। और एक होते हैं एक्टिवेटर्स, ये क्या करते हैं एक तरीके से दे आर प्रमोटर्स जो उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी को एनहेंस करने का काम करते हैं। तो जब एक्टिवेटर्स और को एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई विटामिन है, अगर उसके साथ एंजाइम जुड़ जाता है तो उसकी एक्टिविटी को वो बढ़ा देता है। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो मुझे इसी में से पढ़ पढ़ के समझाना पड़ रहा है, आई होप कि आप माइंड ना करें इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं सिर्फ बोल के आपको बताऊँगी तो हो सकता है कि दूसरी तीसरी बात सुनते सुनते आप पहली बात भूल जाएं कि मैंने क्या कहा था। तो डाटा एक बार अगर आपकी नज़रों के सामने रहता है तो आपके लिए भी चीज़ें थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना इजी रहता है। उसके बाद है कैटलिटिक एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, इनकी जो एफिशिएंसी है वो घटने लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। तो इनहिबिटर्स और पॉइजंस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं, बिकॉज दीज इंटरेक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एंजाइम सरफेस एंड रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, एक जो आपने पढ़ रखा है और एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है। देखिए, आपने पढ़ा होगा जब हम एल्डिहाइड चैप्टर करते हैं, मैंने पढ़ा भी रखा है, तो उस समय प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स आता है जिसको हम रोज़नमंड रिडक्शन के दौरान पढ़ते हैं। रोज़नमंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एसाइल क्लोराइड लिया और एसाइल क्लोराइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन डालते हैं प्लैटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं बैरियम सल्फेट, सल्फर, क्यूनोलिन, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जब रिडक्शन करता है तो इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको पॉइजन करने का काम कर रहे हैं कैटलिस्ट को, अगर मैं यहाँ पर बैरियम सल्फेट, सल्फर, ये सब ना डालूँ तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर देगा और इसको भी चेंज कर देगा किस में, एल्कोहल में। तो मैं नहीं चाहती इस दौरान रोज़नमंड रिडक्शन, दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एंड आई डोंट वॉन्ट कि भाई यहाँ पर एल्कोहल बने, मैं चाहती हूँ कि मेरी रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर स्टॉप हो जाए। तो मेरे पास एक तरीका क्या है, मेरे पास एक तरीका ये है कि भाई जो कैटलिस्ट 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को 50% रिड्यूस कर दो, वो इतना काबिल ही ना रहे कि वो इसको यहाँ इसमें और इससे वो इसको इसमें कन्वर्ट करे। मुझे रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती हूँ। तो ये आपने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड चैप्टर में रोज़नमंड रिडक्शन डिस्कस की है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आजकल हम जहाँ पर जिस टाइम पीरियड में रह रहे हैं अभी, तो कोरोना ने बड़ा ही परेशान कर रखा है, कितने लोग हैं जो जिनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो
अगर मैं इसके मेडिसिंस के जो कोरोना से रिलेटेड जो दवाइयाँ बन रही हैं उसके वर्क पे जाऊँ तो देखिए मैकेनिज्म तो इसका बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको समझाने चलूँ तो उस पर एक और वीडियो लेक्चर में बना दूँगी, पर शॉर्ट में क्योंकि लास्ट पॉइंट में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है तो मैं वहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं और कितने लाखों करोड़ों सेल हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, अब अगर कोरोना वायरस जो है वो आ रहा है तो वो डायरेक्ट एंट्री हमारे सेल के अंदर नहीं मार सकता, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सेल हैं उन सेल पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है, इन रिसेप्टर पे जाके लगता है ताकि उसकी इन हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एंट्री हो सके। तो जो मेडिसिंस बनाई जा रही हैं वो मेडिसिंस किस बात को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं कि भाई हम इस कोरोना वायरस को इन रिसेप्टर्स पे कैसे लगने से रोकें। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक्स होती हैं, जो स्पाइक्स यहाँ पर आकर इसके ऊपर अटैच होती हैं, तो हमने क्या कर रखा है, हमने जो उसका मेन काम है कि हम इस कोरोना वायरस को रिसेप्टर पे, सेल रिसेप्टर पे लगने से कैसे रोकें, तो हमें ये चीज़ पे फोकस करना होता है कि अगर हम यहाँ पर एंटीबॉडी लगा दें तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जितनी जल्दी बनती है और जितने ज़्यादा अमाउंट में बनती है उतना ज़्यादा वो क्या करती है, कोरोना वायरस के ये जो स्पाइक्स हैं इन स्पाइक्स पे जाके अटैच हो जाती है और फिर उसके बाद इसको सेल के रिसेप्टर पे नहीं लगने देती और हमारी जो बॉडी के सेल हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है सो दैट आप आसान तरीके से एब्जॉर्ब कर सको कि मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोरोना वायरस इस सेल के अंदर ना जाए तो मुझे उसे यहाँ पे लगने से रोकना है और उसको यहाँ पे लगने से रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ मुझे जनरेट करनी पड़ेंगी जो इसके स्पाइक्स पे जाके अटैच हो जाएँ और कोरोना वायरस यहाँ पर ना चिपक पाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो हमारी मेडिसिंस का जो मेन मोटिव है कि वो यहाँ से यहाँ पर ना लगे उसका क्या है, एंटीबॉडीज़ पर काम करना, ठीक है। तो अब ध्यान से इस पॉइंट को देखो, ये क्या कह रहे हैं इसी पे, मतलब अब मैकेनिज्म में तो देखो 10 बातें हैं पर उन 10 बातों में से एक बात यहाँ पर इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप चाहते हो कि इसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजंस। इनहिबिटर और पॉइजन क्या काम करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस। ये हमारा कोई एंजाइम है, समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ये कोई एंजाइम है, इसके सरफेस पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं COOH, NH2, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे कुछ 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 लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनहिबिटर और पॉइजन क्या करेंगे, इन फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर लेंगे, इंटरैक्ट, और जब वो इंटरैक्ट कर लेंगे तो वो रिड्यूस या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। कैसे, देखो ये बॉडी का सेल है, इस बॉडी के सेल के ऊपर जैसे रिसेप्टर लगे होते हैं, एंजाइम के सरफेस पर फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। अब कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्शन कराना चाहता है तो वो क्या करता है, रिएक्टेंट आता है और रिएक्टेंट आके क्या करेगा, इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, जो इसके सरफेस पे फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। बट अगर मैं कोई ऐसे सब्सटेंस डाल दूं, इनहिबिटर या पॉइजन डाल दूं, जो रिएक्टेंट के आने से पहले ही इसके साथ एक्ट कर लें, इनहिबिटर या फिर पॉइजन वो क्या करे, रिएक्टेंट के आने से पहले ही एंजाइम के सरफेस पे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर ले, तो क्या रिएक्टेंट एंजाइम पे एड्सॉर्ब हो पाएगा, या तो नहीं हो पाएगा और अगर हो पाएगा तो बहुत कम हो पाएगा, समझ में आया। अब अगर रिएक्टेंट के एंजाइम यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा तो रिएक्शन कैसे होगी। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी जो है रिएक्शन को कैटलाइज करने की, या तो बहुत
कम हो जाती है या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है और ये आजकल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ड्रग्स के मैकेनिज़म पे जाएं तो इस पे बताने के लिए काफ़ी कुछ है, बट मैंने आपको उतना ही बताने की कोशिश की है जितना आप उसको समझ के अपने कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के समझ सके। और साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज भी एनहांस हो रही है तो उसमें बुरी बात क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि कैसे किस तरीके से रिएक्शन जो है वो हो पाती है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंजाइम्स जो हैं इनकी पर्टिकुलर कुछ शेप होती है। एंजाइम्स के सरफेस पर कैविटी होती है, एक्टिव प्लेसेस, ठीक है, खाली जगह जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, थायोनल ग्रुप, ठीक है, SH, और अमीन ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका काम क्या है, इनकी पर्टिकुलर शेप रहती है कैविटी की, एंजाइम्स की, और ये इनके जो कैविटी की शेप होती है ये काफ़ी ज़्यादा मिलती है सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट की शेप से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये एक तरीके से लॉकिन की मैकेनिज्म पर बेस्ड है। जैसे हर ताले की अपनी खुद की चाबी होती है, इन द सेम वे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं कि अगर हमारी रिएक्शन को कैटालाइज होना है तो यही एंजाइम्स जो हैं आके इसको कैटालाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा एंजाइम है, ये रिएक्टेंट है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, इनमें बाइंडिंग हो जाती है, और फिर बाइंडिंग के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन को कराता है और रिएक्टेंट को डीकम्पोज कर देता है प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम फिर वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, एंजाइम अब देखो क्योंकि कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई चेंज नहीं आता। तो जैसा आप रिएक्शन की शुरुआत में एंजाइम लेके चलेंगे वैसा ही एंजाइम आपको रिएक्शन के एंड में, अंत में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्राम की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंजाइम है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर एंजाइम अलग हो गया और हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।